हाजरीन ये देख ले, व्यापारी भाग लेता है, ठीक है, ये हमारे पास फड़ियों के पास आता है, फिर हम मसाला लगाते हैं, फिर दुकानदार लेके जाते हैं, जिसकी किस्मत में ये लिखा है ये खाने को जो मिलेगा उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला की रहमत करम और फजल से आज के व्लॉग शुरू करते हैं। अभी हम आम के बाग में आ चुके हैं, तो माशाल्लाह अभी आम का सीज़न है, तो बहुत ही प्यारा माहौल है, हर तरफ आम ही आम है, तो आपके साथ भी माहौल शेयर करते हैं। इस वक्त आम का सीज़न है और आम तैयार है मंडी में बिकने के लिए। तो ये अभी हम खड़े हुए हैं अनवर रिटोर के दरख्त के नीचे, तो अभी हम आगे जाएँगे, आपको सारी किस्में भी दिखाते हैं और सारे बाग का माहौल दिखाते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अजीम भाई क्या मूड है, चलें? चलो तो चलें। चलते हैं अजीम। यहाँ पे हमने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें वो किन्नू हमने आपको दिखाए थे, क्योंकि उस वक्त किन्नू का मौसम था तो किन्नू तैयार थे। तो अभी फिल वक्त जो है यानी कि आम का सीज़न चल रहा है, तो अभी आम तैयार है। ये हम चौसे के दरख्त के ऊपर चढ़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, नीचे दिखाएं दीन भाई मंजर नीचे का। ये हम दरख्त पर चढ़े हैं और ये आप देख सकते हैं चौसे का बूटा है, ये माशाल्लाह अभी तैयार है। तो इनको इस तरह उतार के पेटियों में बंद करके मिसाला लगाया जाएगा, जो मिसाला लगाने के बाद तीन से चार दिनों में ये बिल्कुल अपना कलर येलो हो जाएगा इनका। तो अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह साइज़ भी बहुत अच्छा हो गया और इसकी अभी यानी कि तुड़ाई शुरू हो गई है, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा माहौल है इधर। ये आप देख सकते हैं कच्चा आम है फिल वक्त, ये फ़िलहाल ये जो कच्चा आम होता है वज़न में ज़्यादा होता है, जब पक के इसका वज़न कम हो जाता है। ये अभी तकरीबन ये तीन आम एक किलो के हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा साइज है अजीम भाई, ये दिखाएं सकते हैं। ये जो जिस दरख्त पर हम चढ़े हुए हैं ये चौसे का दरख्त है, तो माशाल्लाह इस पर बहुत ज़्यादा फल लगा हुआ है। तो बाकी और भी यहाँ पे है, अनवर रिटोर है, देसी आम है, लंगड़ा आम है और सिंदली आम है और काफ़ी सारी वराइटीज़ हैं। इस दरख्त पर सबसे ज़्यादा फल था, तो बाकी फ़िलहाल इस साल यही जो व्यापारी है भाई महबूब वो बता रहा है कि इस साल जो है ना फसल बहुत कम है, यानी कि एक साल ज़्यादा आम लगता है दरख्तों पे कुदरती तौर पर और एक साल कम होता है, इस साल फसल बहुत कम है। अजीम भाई एक तोड़ के खाया जाए, चेक करते हैं ये खट्टा है या मीठा है। जंग लगदे ने मैनू जंग दे अंब सुनया, मैनू खला दे चाचा महबूब दे अंब सुनया। भाई ये कच्चा जरूर है, खट्टा नहीं है, ये चौंसा है, चौंसा खट्टा नहीं होता। ये आप देख सकते हैं ये चौंसे का जो है ना आम, ये बिल्कुल कच्चा है, अभी मीठा है, मीठा नहीं है बहुत ही ज्यादा खट्टा है यार ये। भाई ये जो ही आम है ना पक के मीठा होता है, बूटे भाई ये भी कच्चा है, ये आप ना समझे भाई, ये पक जब ये तीन दिनों में इसको पहले मिसाला लगाया जाएगा, मिसाला भी आपको लगता हुआ दिखाएंगे हम वीडियो में, वीडियो के एंड में देखना मिसाला भी लगेगा। तो वो मिसाला लगा के पेटी में इसको बंद कर दिया जाता है और तीन दिनों में ये बिल्कुल येलो हो जाता है और बहुत ही मीठा हो जाता है। अभी तो फिल वक्त बहुत कड़वा है यार कोई नहीं भाई, मैं और ऊपर चढ़ने लगा हूँ भाई, जितना मर्जी ऊपर यार ये ना ऊपर चढ़ो और मेरे वजन से टूटते जाए यार। नहीं भाई टूटता, वो 100 किलो आम लेके खला है आपके यार, ये ना 1 किलो 15 ग्राम वजन है, ऊपर डर रहे हैं इसके ऊपर जाते। मैनू प्यार हो गया, मैनू नार आली माई कहंदी है यार। मैं ये आप देख सकते हैं, मैं आम के दरख्त पर चढ़ा हूँ तो बहुत ही प्यारा नजारा है यार, नीचे से आम बहुत ही प्यारा नजर आ रहा है। अजीम भाई कैमरा दे, मैं सबको दिखाता हूँ नीचे से, दुशहरी दिखाएंगे, दुशहरी दिखा देते हैं, ये आम चौंसा दिखा दो आप। ये आप देख सकते हैं ऊपर से दरख्त के ऊपर से नीचे का नजारा आपको दिखा रहे हैं। मैनू प्यार हो गया नाल वाली माई कहंदी है, ये अजीम भाई भी बैठा है, ये आप देख सकते हैं
अधीम भाई दरख्त के नीचे थोड़ा सा ऊपर चढ़ा और मैं ज्यादा ऊपर चढ़ा आया हूँ। टूटे बजे बाबे तू चौंसे, सुखियां रोटियां तू चौंसे, टूटे बजे बाबे कली करा लो, वडे मुंह कली करा लो। अधीम भाई ये क्या कर रहे हैं यार, ये माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं नजारा आया है। उधर जाना मैं यार, क्या बात है यार, मुड़ पता लगे अधीम ने 14 पट्टियां लगी पे दो अम्मा के पीछे। भाई जान मैं कह रहा जिन मक्खी डंग मार जाती है ना वो खराब हो जाता दाना, वो दुए का सिर भी लै जाता इस तरह करके दाग ही हो जाता है। इस ते बहुत खर्चे, स्प्रे का खर्चा, सारे खर्चे होंगे ने। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा नज़ारा है, हम दरख्त के ऊपर चढ़े हुए हैं फिलहाल तो माशाल्लाह। ये सामने जो है वो आपको पिछली वीडियो में हमने दिखाया था, वो सामने ये यहाँ पर इधर लगा हुआ मौसम्मी माल्टा किन्नू वगैरह वो सामने पौधे जो हैं दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं। आए हाय अजीम भाई माशाल्लाह बहुत ही प्यारा। एक मिनट ये देख सकते हैं, इधर से टूटेंगे, टूट के ये जाएंगे जिसकी किस्मत में है, लेने तो पैसों के साथ ही है ना, ये आम भी किस्मत के मिलते हैं जिसके नसीब में लिखे होते हैं। ये देख सकते हैं ये अब टूट गए हैं, जो पेटियाँ लगी पड़ी हैं उनके अंदर लगेंगे। ये चौंसा आम है, एक नंबर चौंसा, ये झंग के अंदर चौंसे का आम है। ये बंद के नीचे उतर जाओ ना, बंद के नीचे और मोजा कच्चा कोल कुराइयाँ के साथ है। चैनल भी सब्सक्राइब करा करें, मुझे बोलने में ज़रा अड़जड़ होती है, आपको हंसी बन जाती है। ये आप ज़रा ना तकलीफ उंगली लगाने से कुछ नहीं हो जाता, किसी का भला कर दो। ये आपको दिखा आपको दुशहरी भी दिखाते हैं, अनवर लटोर भी। चलो नाजरीन ये देख ले, व्यापारी भाग लेता है ठीक है, ये हमारे पास फड़ियों के पास आता है, फिर हम मसाला लगाते हैं, फिर दुकानदार लेके जाते हैं, जिसकी किस्मत में ये लिखा है ये खाने को जो मिलेगा उसको। ये कितनी मेहनत होती है इसको पानी लगाना, इसको देना। ये बूटा जब आम खड़ा है पता नहीं मेरी किस्मत में है, ये शोरकोट जाएगा, मियाँ वाली जाएगा, चन्नू जाएगा। नाजरीन हम मेहनत करते हैं, हम ज़रा चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको और वीडियो मिलेगी। दरख्त से नीचे उतर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ऊपर चढ़ गए हैं। अजीम भाई पहले आप नीचे आए, इस तरह लगेगा फिर कहना सैयाँ पटियाँ तो करा दे। ये अजीम भाई नीचे उतर गए हैं। अजीम भाई ये कैमरा भी लेके जाए ना, मैं भी आ रहा हूँ नीचे। भाई आ जाओ नीचे जल्दी जल्दी, मैं चढ़ा तो बहुत मुश्किल हूँ यार, ये ना वो नीचे उतरते वक्त गिर जाऊँ। अजीम भाई रुक जाएगी मैं, आप बड़े ध्यान से उतरना पड़ेगा अजीम भाई, क्योंकि टंग बनाई पक्की वाले तो कोई मिस्त्री मजदूर का ही नहीं, ना डॉक्टर की दुकान है। ये मैं नीचे आने लगा हूँ, बहुत ऊपर चढ़ गया था यार, हकीकत बात है ऊपर हवा बहुत ठंडी चल रही थी अजीम भाई। जो मर्जी अंब के बूटे आके चढ़ जाए, खाली छत्ता ही रह गया। बाबू राम सरे राम, भाई जान ये देख सकते हैं, आपको पहले चौंसा दिखाया, ये कलमी चौंसा, इनको देसी चौंसे में गिना जाता है, नहीं ये कलमी चौंसा काट के खाते हैं। ये हमने छोटे दाने आपको दिखाए हैं इसके, ये मोटे दाने ऊपर है जरा, ये आपको भी बहुत ज्यादा फल है ये देख सकते हैं कि अब इसको ये तोड़ के पेटी के अंदर लग रहे हैं, ये चिट्टा हो गया ना, जो चिट्टा हो गया आम जो ज्यादा इस तरीके का ये आम ठहरता है, जो चिट्टा हो जाता है इसको तोड़ के पेटी में लगा के मसाला लगा देते हैं, 3 दिनों के बाद पेटी के ऊपर तारीख दिन लिख देते हैं जिस दिन ये निकलेगा। भाई जान आपको बताया था इस बाग में मीठे का भी बूटे हैं, ये देख सकते हैं ये मीठा तैयार हो चुका है। अजीम भाई ये भी तकरीबन 15-20 दिन रख दे रहे मंडी में बिकने के लिए। ये जो कचरा छचरा जो नीचे गिरा पड़ा वो तो जाता है छांट छांट बन के। ये आप देख सकते हैं मीठा लगा हुआ, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा माहौल है, क्या बात है माशाल्लाह। ये नींबू है 10-15 दिनों के अंदर ये तैयार हो जाएंगे, ये इस तरह नींबू शॉटिंग का मौसम है ना। एक तोड़ के दिखाओ यार हमें, ये नींबू है भाई जान ये देख सकते हैं। एक मिनट, जो आप शिकंजी पीते हैं, शिकंजी पीते हैं आपका नमक वगैरह वगैरह हो सारी चीज़ें, लीमू लेमन लेमन की बोतलें हैं भाई जान। भाई जो ले रहे हैं ये दुशहरी के दाने आपको हमने, ये आप देख सकते हैं ये दुशहरी का दाना है और ये चौसे का दाना है और ये जो अजीम भाई के पास है।
ये देख सकते हैं भाई, ये मसाला लग रहा है। देखो ये भाई जान, ये कौन सा आंब है? सिंदरी है, सिंध का। दो मिनट, दो मिनट पूरी ना, ये दो पूरी लगी है इसको। लेकिन ये चार तीन दिन बाद, यार तीन दिनों के बाद ये तैयार हो जाएगा। चलो ये बेचारे जो जानवर है गर्मी की वजह से बेचारे ये दरख्तों के नीचे साए के नीचे आराम कर रहे हैं। अजीम भाई ये क्या कर रहे हैं यार? यार ऐसे दांत देख रहे हैं तुम ना करो यार, ये गलत बात है। आप ऊपर बैठ गए हैं, खादा की सुबह था और ब्रश कर लेना सी मेरे साजा परे।